अगर जो आना है तो इधर ही आए और दूसरी जगह फंस जाए। अच्छा बताइए, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि यहाँ पे थ्योरी थ्योरी रहती है या प्रैक्टिकल रहता है, जो भी है, तो आप क्या बोलना चाहोगे? यहाँ पे जो थ्योरी रहती है कि सिर्फ थ्योरी थ्योरी रहती है या थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों रहता है? दोनों रहते हैं, वो जल्दीबाजी करते हैं, एक दिन में उनको सब कुछ मिलता है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि दो दिन में उनको सब कुछ चाहिए? हाँ। तो ऐसा देखिए दोस्तों, पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट नॉलेज नहीं चाहिए, डायरेक्ट आईसी पे बैठना उनको सर। तो ऐसे लोगों की आप क्या बोलना चाहोगे? तो देखा आपने दोस्तों, यहाँ पर मेरे साथ में है इसे टेलीकॉम के स्टूडेंट, और अगर आपको यहाँ पे ऐसा लगता है कि हम सब जैसे बात कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप अगर आपको मेरी बुक खरीदनी है मोबाइल ब्रॉडबैंड, तो आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। अगर आपको हार्डवेयर की बुक खरीदनी है तो हार्डवेयर की बुक खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आपको एप्लीकेशन एंड्रॉइड के डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवेंद्र अग्रवाल, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब में जाएंगे, लिखिए देवेंद्र अग्रवाल, आपको मेरे दो यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे। मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल जिसमें मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ, पहला यूट्यूब चैनल मेरा एशिया टेलीकॉम मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों आपको देखा जाए, अगर आप जाइए और गूगल पे लिखिए एशिया टेलीकॉम तो आपको मिल जाएगा एशिया टेलीकॉम मोबाइल .com। आप जाइए स्मार्ट डेवलपर एशिया टेलीकॉम मोबाइल .com। उसके अलावा मेरी 18 वेबसाइट है, 26 के ऊपर ऐप्स है, मेरी दो बुक है। आपको इतना डाटा मैं दूंगा और आने वाले समय में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मैं ऑनलाइन जो हो सकता है हेल्प जितनी हो सकता है उतनी करवाऊंगा, और बाकी मैं मेहनत करूंगा कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो लाइफ में सक्सेस लें और आपके आगे बढ़े, मेरा नाम आगे बढ़ाए और अपना नाम आगे बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर तो बस मैं इसके साथ एक बात कहना चाहूंगा कि इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पांच स्टूडेंट बोले थे, पांचों आ चुके हैं कि नहीं आ गए? अभी आप ही के साथ रह रहे हैं, उनके क्या रिव्यू है आपके साथ रहने पर? सर बहुत अच्छे रिव्यू है, पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं, सर बहुत अच्छा करवा रहे हैं। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? राजेंद्र, कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या बोलना चाहोगे कि पहले दिन आपने क्या एक्सपीरियंस पाया यहाँ पर एयरटेल को? मैं जो सोचा था वो आपको मिला यहाँ पर? सच्ची मेरा तो ये फील्ड ही नहीं था, लेकिन मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, काम कर सकता हूँ, आपको ऐसा लग रहा है। और आपने जो एक महीने में सर की क्लासेस हैं वो मैंने किसी को नहीं देखा है। अच्छा, इस फील्ड में क्या किसी भी फील्ड में कोई इस तरह से क्लासेस को हैंडल नहीं कर सकता जिस तरीके से सर, जिस एनर्जी से क्लास को कराते हैं, वो कमाल। तो मतलब अब एक महीने में जो कोर्स करने वाला थीम लेके आए थे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है? चलो मतलब कॉन्फिडेंस आया अभी यहाँ पर, बिल्कुल। चलिए थैंक यू वेरी मच। ये हमारे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद, मुझे बताओ क्या फील करते हो अब और क्या फील कर रहे थे पहले दिन में? पहले एक्चुअली जब मैं आया था तो ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब मैं सीख पाऊंगा नहीं पाऊंगा। हाँ मतलब वो, हाँ कॉन्फिडेंस नहीं था। अब ऐसा लग रहा है, पहले इम्पॉसिबल लग रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल है। पॉसिबल है कि मतलब मोबाइल रिपेयरिंग की तरह कुछ है नहीं टफ, है ना? सिर्फ नॉलेज पर है कि सही नॉलेज मिल जाएगा तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सो अभी कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? बहुत कॉन्फिडेंस आया कि नहीं? सो अभी हम जो भी हम अब तक समय निकाला उसमें आपने कुछ बहुत सीखने को मिला है कि नहीं? मिला है कि नहीं? चलो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हमारे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सोनू कुमार हुआ सर। सोनू बताओ कैसा लग रहा है यहाँ आके, और पहले दिन से और आपके दिन में क्या फ़र्क मिला? यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे सोचे थे उससे उम्मीद से ज़्यादा मिल रहा है। या फिर ड्रेसिंग का जो नॉलेज है बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाया जाता है, या कंपोनेंट्स को क्या काम है, क्या फंक्शन है, क्यों लगाया गया, सारा कुछ पता है। तो मतलब जो हमारे में कॉन्फिडेंस आता है कि हम हाँ किसी का मोबाइल लेके लगता है कि नया पार्ट्स लेके कुछ मोबाइल भी बना सकते हैं, कॉन्फिडेंस आता है। ये चीज़ बहुत बड़ी बात है कि नए पार्ट्स लेके, मतलब इतने लेवल पे हमने कॉन्फिडेंस का नॉलेज सीखा कि कौन सा कहाँ लगना चाहिए। ना भी हो तो हम समझ सकते हैं कि क्यों लगाया गया था, या फिर कैसे लगाया जाएगा, मैं उसमें अलग से फिर वो बाईपास कर सकते हैं, अलग से वो कर सकते। मेरे को सुनिए एक बार बताओ कि आप क्लास में बैठ गए, हो सकता है आप बहुत तेज बुद्धि वाले हो, बात सभी बच्चे सीख रहे हैं कि आप ही बस सीख रहे हो, क्या है? सारे बच्चे सीखते हैं, इक्वली सीखते हैं सर, या एक दूसरे से सब कुछ ना कुछ अलग होते हैं। अच्छा, सारे बच्चे सीखते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच आपका यहाँ पर फीडबैक देखने के लिए। यहाँ पर एक स्टूडेंट मेरे साथ, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? राम। राम, मुझे ये बताइए कैसे फील हो रहा है पहले दिन और आपके में?
है, क्या हो रहा है, कहाँ से आए हो आप? छत्तीसगढ़ से। तो पहली बार में कैसा फील हुआ? अच्छा लगता है, सीखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो तुम क्या सोच के आते हैं इसे टेलीकॉम में क्या मिलेगा? हाँ, उससे ज़्यादा मिला है। अरे ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है यहाँ, ये बहुत बड़ा कमेंट्स है दोस्तों। और ये बहुत अच्छे लगता है कि जब स्टूडेंट ये दिल से कह रहे हो कि नहीं कह रहे, ये बहुत अच्छी तो नहीं है खाने का लगता है। तो यहाँ पर मेरे साथ में एक स्टूडेंट है हमारा, आइए। सो क्या नाम है आपका बताइए? मेरा नाम हरी किशन है और मैं यूपी से आया हूँ। हरी किशन, बताओ क्या एक्सपीरियंस मिला पहले दिन और आज हमारा लगभग 8-10 दिन हो चुका है, बताओ क्या एक्सपीरियंस मिला? मैं सर वैसे तो वीडियो देख कर ही आया था, लेकिन फिर भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता पहली बार आते हैं पहले दिन में। और आज के दिन में ये फर्क है कि जो पहले मैंने सोचा था वो तो इतना नहीं लग रहा था कि मैं इतना कर पाऊँगा, लेकिन आज इतना है कि सब कुछ कर पाऊँगा। जो सर ने सिखाया है बहुत अच्छा सिखाया है और फिर ऐसा कहीं सीखने को नहीं मिला। और जो सोच के आते इसे टेलीकॉम किस लेवल पे होगा, किस लेवल पे हमने ज्वाइन करना होगा, क्या वो लेवल आपने मिला है यहाँ पर? जी बिल्कुल मिला है और 100% सभी चीज़ें ना सारी मेरे को मिली है यहाँ पर। चलिए थैंक यू वेरी मच, इनका बहुत अच्छा फीडबैक रहा है ये दोस्तों। ये तो एक अच्छी बात है कि ये जो दिल से कह रहे हैं यहाँ पर और है ना, और हर समय मतलब जब भी मैं इनसे पूछता हूँ कि कैसा लग रहा है, हर चीज़ जब मैं इनसे पूछता हूँ। अच्छा रिविजन होता है कि नहीं होता है यहाँ पर? होता है, डेली डेली होता है यहाँ पर, और जो भी डाउट्स है वो क्लियर करा जाते हैं, सारे क्लियर होते हैं, वो बाद में पूछ लेते हैं तो भी क्लियर हो जाता है। सर आकर के शाम को रात को भी पढ़ाते, रात में पढ़ाते हैं, एक बहुत बड़ी बात है। चलो थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ में ये स्टूडेंट है, आपका नाम क्या है? मैं हूँ रंजीत कांगे, मैं महाराष्ट्र से हूँ। रंजीत बताओ कैसा अनुभव रहा अब और क्या सोच के आए थे, कैसा आपका रहा अनुभव? मैं पहले भी एक साल से यहाँ पर काम कर रहा था मोबाइल के लिए, लेकिन वहाँ पर सिर्फ पार्ट चेंजिंग के काम होते थे। जब कोई नेटवर्क ऐसी का वगैरह जब कोई ऐसा काम आए जो जो कप शॉट हो या फिर ऐसा हो, मुझे तो पहले ये भी नहीं मालूम था कि रजिस्टर मैं तो पहले ये सोचता था कि रजिस्टर भी शॉर्ट होता है, रजिस्टर भी शॉर्ट होता है। ये हमने देखा कि मुझे ये पता चला कि रजिस्टर सिर्फ ओपन होता है, शॉर्ट नहीं होता। ये हमने पता चला, मतलब सही कंपोनेंट का नॉलेज, और सही जब तक सही हमें नॉलेज नहीं मिलेगा तो आप काम कितना भी सीख लो, कितने भी साल काम करते रहो, वो काम बेकार है। तो अभी आपको क्या फील होता है यहाँ पर, आप अब जब जाओगे अब काम करने? अब जब मैं जाऊँगा तो मैं सिर्फ मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ जाऊँगा कि अगर मेरे पास कोई भी मूवमेंट आए तो मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। और यही कॉन्फिडेंस दोस्तों हम सबको अपने अंदर रखना है और उसी जज्बा के साथ में काम करना है। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा बोला है ये सब। तो यहाँ पर मेरे साथ एक और स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद चांद। मोहम्मद चांद, बहुत बढ़िया नाम है भाई, बहुत अच्छा लगता है। एक मुझे अपना नाम बहुत बेकार लगता था, दिवेंद्र अग्रवाल ऐसा लगता था कि बदल लूँ, पर आज मुझे नाम अपना अच्छा लगने लगा है। तो मोहम्मद चांद आप ये बताओ क्या सोच के आए थे पहले दिन और अभी के दिन में क्या फील होता है? सर सिर्फ मैंने एशिया टेलीकॉम के बारे में सुना था, लेकिन जब मैंने देखा और यहाँ पे 2-3 दिन रुका मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो मैं सोच के आया था उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर मिला। मतलब जो सोच के आया थे वो आपको मिला? सर उससे भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा मिला। मैं यहाँ कहना चाहूँगा जो आपने एशिया टेलीकॉम को चुना, क्यों चुना इतने पूरे इंडिया में आपने सिर्फ एशिया टेलीकॉम के? कहाँ से आए हो आप? सर मैं उत्तराखंड देहरादून से। इतना दूर से आप आए हो तो आप कहीं भी जा सकते, दिल्ली विल्ली वगैरह, तो आप यहाँ पे यहाँ क्यों आए, मेरे पास क्यों आए? सर ऐसे टेलीकॉम का फील्ड है बहुत अच्छा है, मैंने सुना था लेकिन आज देख भी लिया और आज दे भी रहे हो। तो जो आप दे रहे हो तो आपको लगता है ना कि जितने भी लड़कों ने जो फीडबैक पुराने दिए होंगे वो सब दिल के ही दिए होंगे? आप भी दिल से कह रहे हैं? चलिए थैंक यू वेरी मच यहाँ पे फीडबैक देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विमल चौधरी। विमल, तो आप कहाँ से हो? मैं नेपाल से हूँ सर। नेपाल से, तो दोस्तों ये नेपाल से हैं और विमल जी हम आपसे इतना पूछना चाहेंगे, यहाँ पे आप आए तो आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि आपने इतनी दूर से आए हो और बहुत सारी इंस्टीट्यूट थी तो आपने सिर्फ एशिया टेलीकॉम को चुना, तो आप क्या कहना चाहोगे यहाँ के बारे में? बहुत अच्छा लगा सर तो मतलब आपने जो सोचा था, जो सोच के इतनी दूर आए, वो चीज़ आपको मिला या नहीं मिला? हाँ सर मिल गया। चलिए ठीक है, बहुत कुछ मिला सर। तो अब कन्फ्यूजन होता था ना काम करने में, वो सर डाउट पूरी हो गए सर, अब हम जाके आराम से काम कर सकते हैं सर, अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू विमल जी। तो क्या नाम है आपका? देवेंद्र। देवेंद्र कहाँ से हो आप? नेपाल।
नेपाल से। तो देवेन जी, अभी आपको अपने यहाँ क्लास ली, हार्डवेयर की काफ़ी क्लास ख़त्म हो चुकी है, तो आपने अभी इतने दिनों जो सीखा, तो आपको क्या फील होता है कि कैसा सीखा, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा? सीखा सर, अभी तक जो भी काम कर रहे थे वो नॉलेज नहीं था पूरा, अभी यहाँ आने का पूरा नॉलेज होगा। अच्छा, भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग जैसा कि बोलते हैं कि मतलब यहाँ पे थ्योरी या प्रैक्टिकल जो भी बोलते हैं, तो अभी आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलता है, तो आप ये हेल्पफुल होती है नहीं होती? नहीं, हेल्पफुल होती सर, 100% हेल्पफुल है ना। चलिए, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा देव बहादुर बसनेत, मैं नेपाल से हूँ। देव बहादुर बसनेत, नेपाल से हो आप, तो ये बताइए, आप लोग साथ में आए हो सब? हाँ सर। तो देव जी, हम आपसे इतना पूछना चाहेंगे कि आप जैसे इतनी दूर से आए हैं, ठीक, आप तीनों लोग आए हो, कुछ सोच के आए हो, तो अभी आप जो उम्मीद लेके आए थे, वो आपको, आपकी उम्मीद पूरी हुई या नहीं? जितना मैंने सोच के आया था उससे भी ज़्यादा। अच्छा, उससे ज़्यादा मिला। कंपोनेंट्स के नॉलेज और ट्रेसिंग और सप्लाई का नॉलेज सब मिला इधर, सब बहुत अच्छे हैं। तो मतलब आपको लगता है यहाँ से जाने के बाद आप कंप्लीट रिपेयरिंग कर पाएंगे? हाँ सर, कर सकते हैं हम। एक अच्छा टेक्नीशियन को, एक कंपोनेंट को नॉलेज और उसको ट्रेसिंग और उसकी सप्लाई होनी चाहिए, इधर सब मिला हमको। ये आपने सही बात बोली, कई बार होता है कि लोग यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि प्रैक्टिकल कितना मिल रहा, वो भी प्रैक्टिकल में आपको SMD का प्रैक्टिकल। तो दोस्तों, SMD का प्रैक्टिकल आपको सिर्फ चार्जिंग कनेक्टर, सिम जैक, यही सब सिखा सकते हैं, बाकी उसके आगे सप्लाइयों का नॉलेज, कंपोनेंट्स की नॉलेज जो मेन होता है, वो आपको शायद नहीं मिल पाता अदर इंस्टीट्यूट में। बट अपने यहाँ ऐसा है क्या? नहीं सर, इधर सब प्रैक्टिकल भी और उसका नॉलेज, उसका कंपोनेंट्स का नॉलेज और सप्लाई और टेस्टिंग कैसे करते हैं सब सिखाते हैं सर। चलिए, ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? नहीं मिल रहा है। संतोष चौधरी। संतोष चौधरी, कहाँ से हो आप? नेपाल से सर। अच्छा, आप भी नेपाल से, मतलब चार लोग? हाँ सर, चार नेपाल से। अच्छा, चारों लोग साथ में आए? हाँ सर, साथ में। अच्छा, हाँ, कोई नहीं। तो संतोष जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस टेलीकॉम के बारे में, क्योंकि नेपाल से कुछ लड़के आ भी सकते हैं या फिर हर बैच में आते हैं, तभी जो आने वाले हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे, वो उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सर, उन जो देख रहे हैं उन लोगों को आना चाहिए, क्योंकि जो सर को सिखाने का मेथड है वो एकदम बेस्ट है, कोई भी अच्छे से सीख सकता है, समझ सकता है। क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे, और जैसा कि वो कमेंट भी करते हैं कि हम थ्योरी कभी वहाँ पे थ्योरी ऐसा है, प्रैक्टिकल ऐसा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे जो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला, तो आपको क्या लगता है कि वो बेस्ट है या नहीं है? एकदम अच्छा है सर। मतलब थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल वो मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ सर, दोनों मिलता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करने को मिलता है। चलिए, थैंक यू संतोष जी। ओके। तो क्या नाम है आपका? सूरज नाम सर। सूरज, तो कहाँ से हो आप? सोनभद्र। सूरज जी, हम आपसे इतना पूछना चाहेंगे कि अभी आप वहाँ से आए, सोनभद्र यूपी से आए हो, तो अभी आप जो सोच के आए थे या जो आपको मिला, वो आप सेटिस्फाई हो? उससे ज्यादा मिला, मतलब आपने जितना सोचा उससे ज्यादा मिला। चलिए, ठीक है, थैंक यू। इतना ज्यादा मिला ये बताओ, केजी में मिला है कि लीटर में मिला है? बहुत ज्यादा मिला है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर क्या नाम है आपका? सर, वीरेंद्र कुमार। ये बताओ पहले कि यहाँ पर इन लड़कों के साथ में जबरदस्ती तो नहीं बुलवा रहे हैं? नहीं, नहीं बोलना, नहीं तो जो भी है बोलो। हिमाचल से आया सर, ये एक उम्मीद के साथ आए थे कि क्योंकि मैं चार पाँच साल से काम कर रहा हूँ सर, पर मुझे एक आइडिया बेस पे काम कर रहे थे सर, हम सिर्फ वर्किंग एक्सपीरियंस के ऊपर, पर उस टाइम तो हमारे पास सिर्फ खाली नॉलेज भी नहीं था, फिर भी हम काम कर रहे थे। अब हमारे पास इतना अच्छा नॉलेज आया हुआ है, क्योंकि सर जो भी पढ़ाते हैं सारा प्रैक्टिकल बेस पे होता है हमारे पास काम, तो जितना हम उम्मीद लेके आए थे उससे ज़्यादा हो गया, अब हम जाकर इससे भी बेहतर काम करेंगे। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया लगा सुन के अभी। और आपको जो भी पढ़ाते हैं समझ में आता है आपको? सर बहुत अच्छी तरह से। आप प्रैक्टिस वैक्टिस करते हो? करते सर हम, और प्रैक्टिकल हमारे को साथ के साथ भी कराया जाता है, ताकि हमारे को डायरेक्टली हम समझ पाए। तो मतलब जो चीज़ आपने एशिया टेलीकॉम में खोजी थी वो चीज़ मिली आपको? और हम डायरेक्टली, हमने तो एड्रेस कुछ भी पता नहीं। आप हिमाचल प्रदेश से आए हो, बहुत बढ़िया। आप इतनी दूर से आप यहाँ पे चुने और हम लोग को इस काबिल समझा कि आप, हम आपको पढ़ा सके, ये बहुत बड़ी काबिल तारीफ की बात है। यहाँ पर आने से पहले भी सर हमारे को सिर्फ, हम कोई भी फॉल्ट आता था हम सर की वीडियो देखते थे खाली सिर्फ,
और उसी को हम सीख सीख के हमने सोचा जब हमारे को यहाँ इतनी नॉलेज मिली, जब हम वहाँ जाएंगे तो इससे बेहतर ही मिलेगा हमारे सीखने, और हमारे को मिल गया सर। चलिए थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए, बहुत बढ़िया लगा। ये देखो बेचारे बच्चे आना नहीं चाह रहे थे जबरदस्ती, कोई बात नहीं बैठ के कर कोई नहीं, बैठ के करो। हाँ जी कैसा लगा आपको, मतलब एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किया आपने? एशिया टेलीकॉम में आकर बहुत अच्छा लगा सर। और जो पहला दिन का और अब के दिन में क्या एक्सपीरियंस मिलता है सर? पहले दिन तो लगता था कि यहाँ कुछ सीखने को नहीं मिला, लेकिन बाद में सर एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अच्छा रहा यहाँ पर, तो अभी आपको लगता है कि अब हम काम कर सकते हैं? जी सर। मतलब बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि इंस्टीट्यूट से, मेरे पास तो कि हजारों बच्चे आते हैं पढ़ने, तो बहुत से इंस्टीट्यूट से घूमकर आते हैं, तो उनको क्या है पढ़ तो लेते 3-4 महीने, पर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम किसी का मोबाइल खोल पाएंगे कि नहीं खोल पाएंगे अंदर, है ना? यहाँ तो फुल कॉन्फिडेंस है, फुल कॉन्फिडेंस है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। जी मेरा नाम विजय सर, मैं असम से आया हूँ, बक्सर डिस्ट्रिक्ट से। यस जी, आप क्या बोलना चाहोगे यहाँ पे? आप आसाम से आए हो और आसाम से जो आने वाले लड़के हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे, क्या सजेस्ट करना चाहोगे? तो जो भी ये वीडियो मतलब देख रहे हो, जरूर यहाँ पे एक बार आके देखना चाहिए, बहुत अच्छी है यहाँ पर। मतलब इससे पहले मैंने भी कहीं, मतलब जो प्रैक्टिकल आप चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मिला? मिल गया सर। कोई ऐसा तो है कि हम आपको चार्जिंग कनेक्टर ये सब निकाल के भेज दें? नहीं सर, पूरा प्रैक्टिकल होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? प्रफुल सामदानी है। प्रफुल सामदानी जी, कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान, उदयपुर। राजस्थान से? तो प्रफुल जी आप राजस्थान से आए हो और यहाँ पे आपने वीडियो देख के आया होगा, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे सवाल रहे होंगे मन में कि कैसा सिखाया जाएगा। साल भर पहले से तैयारी थी, मैं पहले आ रहा था बट पहले आ नहीं पाया था मैं, और इस बार मुझे मौका मिला यहाँ पर आने का, तो सर से बहुत कुछ, बहुत जितना सोचा था उससे ज़्यादा सीखने को मिला। अच्छा, मतलब आप जितना सोच के आए थे उससे ज़्यादा मिला, तो अभी आपको ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस है अपने अंदर की? हाँ, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब जाके जो पहले जिस तरीके से वर्क करते थे उससे बेहतर तरीके से और ज़्यादा वर्क कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू प्रफुल जी। क्या नाम है आपका? सर भागीरथ नाम है। भागीरथ, कहाँ से आप? सर कटनी से ही। अच्छा, कटनी एमपी से हैं। तो भागीरथ जी आप इसके पहले भी काम कर चुके हैं? नहीं सर, फर्स्ट टाइम काम किए सर। अच्छा, फर्स्ट टाइम काम किए, तो अभी सारे डाउट थे मन में कि वहाँ पे जाने के बाद मुझे काम मैं सीख पाऊँगा नहीं सीख पाऊँगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात की 1 महीने की क्लास थी। साथ जो भी लोग थे आसपास के मोबाइल वाले इंस्टीट्यूट से पता किया, तो उन्होंने कहा कि 2 महीने 3 महीने 6 महीने लगेंगे। हाँ, वो टाइमिंग उनकी 3 महीने 6 महीने रहती है, तो उसमें कई बार आपका टाइम भी लॉस होता है। जी जी जी, तो इतना टाइम था नहीं सर, और मैं सोच रहा था कि जल्दी से सीख जाऊँ और अच्छी जगह सीखूँ, और आया सर के पास, देवरंग सर जी के पास आया, तो एक दो दिन मुझे ऐसा लगा और कुछ गलतियाँ भी की मैंने जिनके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप सभी सर लोगों की सपोर्ट से और जो हॉस्टल के स्टूडेंट हैं उनकी सपोर्ट से बहुत बेटर सीख चुका हूँ, और चलिए पूरा ए टू जेड नॉलेज। थैंक यू भागीरथ जी। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? रोहित, झारखंड से। तो झारखंड से, तो बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ आने के बाद? आपने जो सीखा तो आपको क्या फील हो रहा है, जो प्रैक्टिकल मिला? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, तो आप सेटिस्फाई हो? जी सर। चलिए थैंक यू। क्या नाम है आपका? सौम्य रंजन सर, उड़ीसा से। अच्छा, उड़ीसा से हैं। जी सर। सौम्य रंजन जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में जो आपने सीखा? अभी 10 दिन की क्लास हुई है हार्डवेयर की। सर बहुत बढ़िया, बहुत इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया है, काम भी बहुत अच्छे से सीखे हो। तो जैसा कि एक कंपोनेंट्स में कई बार जो दूसरे इंस्टीट्यूट से भी लड़के आते हैं, कई बार कंपोनेंट्स में कंफ्यूजन रहता है, सप्लाई में कंफ्यूजन रहता है, तभी आपको क्या लगता है कि जो आपने 10 दिन में सीखा वो सब क्लियर हुए आपके? जी सर, जी सर, 100% क्लियर हुए। चलिए थैंक यू सौम्य रंजन जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बोल रहा हूँ, ज्यादा बोल रहा हूँ सर। मेरा नाम पवन कुमार राय है, मैं यूपी से हूँ। अच्छा जी सर, मेरा कंफ्यूजन ज्यादा रहते हैं, सब लोग मेरे से पहचान सकते हैं। कोई बात नहीं, जब तक आपके अंदर सवाल नहीं होंगे तो आपको जवाब भी नहीं मिलेगा। जी सर, सब मेरे से पहचान रहते हैं, मगर मुझे हर कंफ्यूजन का सलूशन मिलता है। अच्छा, मतलब सवाल, जितने सवाल होते हैं उसके जवाब मिलते हैं आपको? मैं संतुष्ट हूँ सर।
तो चलिए ठीक है, और क्या कहना चाहेंगे? आपके यूपी से अगर कोई आना चाहता है तो आपके लिए क्या बोलना चाहेंगे? अगर जो आना है तो इधर ही आए और दूसरी जगह बस जाए। अच्छा, बताइए, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि यहाँ पे थ्योरी थ्योरी रहती है या प्रैक्टिकल रहता है, जो भी है, तो आप क्या बोलना चाहोगे? यहाँ पे जो थ्योरी रहती है कि सिर्फ थ्योरी थ्योरी रहती है या थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों रहता है? दोनों रहते हैं, वो जल्दीबाजी करते हैं, एक दिन में उनको सब कुछ मिलता है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि दो दिन में उनको सब कुछ चाहिए? हाँ। तो ऐसा देखिए दोस्तों, पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट नॉलेज नहीं चाहिए, डायरेक्ट आईसी पे बैठना उनको सर। तो ऐसे लोगों की आप क्या बोलना चाहोगे? सर, जब तुम नॉलेज नहीं रहेगा तब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सही कहना है कि आपको अगर सीढ़ी चढ़ना है तो पहली सीढ़ी में पैर रखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकते। चलिए, थैंक यू। मेरा नाम एमडी समीर है, मैं उड़ीसा से हूँ। अच्छा एमडी समीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? आपको अगर रिपेयरिंग सीखना है, सबसे अच्छा सीखना है, तो एशियन टेलीकॉम ही आइए। यहाँ पे मैं कुछ नहीं पता था, स्टार्टिंग जब आया था मैं नर्वस था, क्या होगा, कुछ सीखूंगा यहाँ, नहीं सीखूंगा, कैसा करूंगा, वही मेरा टेंशन था, लेकिन आके सब कुछ क्लियर हो। और सबसे बड़ी बात की आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसके पहले आपने कभी काम नहीं किया था? कभी नहीं किया है। तो अभी आपने 10 दिन का ही क्लास किया है, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारी चीजें नॉलेज हो चुके होंगे। यस सर। तो चलिए ठीक है, थैंक यू एमडी समीर जी। आपको यहाँ मस्त लग रहा है? सच में दिल से बोल रहे हो आप? दिल से बोल रहे हैं। देखो ये चीज लाइव चल रही है अभी, अगर है ना यहाँ पर। चलो अब ये बताओ कि सच में कि पहला दिन में कैसा लगा, और अब अंतर बताओ पहला दिन का। आपका नाम क्या है? गुलाब। पहला दिन का गुलाब और आपके दिन के आज में क्या अंतर है दोनों में? अंतर है, नॉलेज में अंतर हुआ। नॉलेज में अंतर हुआ कि पहले जो आपको सीखने में अंतर हुआ? तो कॉन्फिडेंस कैसा है आप? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीजें जो आपको मिली एशिया टेलीकॉम में, जो सोच के आए थे कि जबलपुर जाएंगे, एक महीने वाला कोर्स अटेंड करेंगे, एशिया टेलीकॉम में जाएंगे, तो दूसरे लोगों को भी आपने ऐसे बोलते हुए सुना होगा, तो उसको देख के प्रभावित हुए हो क्या? तो आज कैसा लग रहा है खुद ही बोल रहे हो ये सारी? बहुत अच्छा है। मतलब वो नॉलेज गेन हुआ अपना, जो करते थे वो बहुत अधूरा था, मतलब जो काम करते थे पहले वो बहुत अधूरा था, अब लगता है कि पूरा हो रहा है। पूरा हो गया, मतलब वो जो लोग आप देखते थे कि बहुत सारे बच्चे पहले भी बोलते थे, मतलब वो सब दिल से बोलते थे, दिल से बोलते थे, वो लोग भी सीखे होंगे कहीं ना कहीं। थैंक यू वेरी मच। इनको खड़ा करो, ये हमारे खास स्टूडेंट है। कहाँ से हो असलम? मैं कर्नाटक से हूँ। कर्नाटक इतनी दूर से एशिया को क्यों चुना? बहुत बेहतरीन है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में, प्रैक्टिकल में, थ्योरी में। नहीं तो तुम कहीं और भी, तुम दिल्ली बॉम्बे जा सकते थे, तुमने एशिया को क्यों चुना? उनके से बेहतरीन है, उनके वीडियोज मैंने देखे है, तो वीडियोज में कंपनी को उतनी जैसी थ्योरी नहीं है, ना प्रैक्टिकल है, ना सॉफ्टवेयर का है, फिर बहुत ही बेहतरीन है, जैसे हम लोग 3 दिन में समझ सकते हैं। अच्छा, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि कुछ लोग YouTube में वीडियो बनाते हैं कि वहाँ पे थ्योरी मिलता है ना, तो आप इसके लिए क्या बोलना चाहोगे? सिर्फ प्रैक्टिकल क्या इनफ है? नहीं नहीं, प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन जब तक आपको थ्योरी समझ नहीं आता क्या प्रैक्टिकल क्या करोगे? मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों जरूरी है। अच्छा एक बार बताओ कि कोई भी अगर मैंने सेक्शन करवाया है, जैसे बैटरी एरर हो गया, या फिर जैसे अगर हम बात करें सिम का एरर हो गया, या हम बात करें स्पीकर का हो गया, सो क्या वो सिर्फ बोर्ड में बताया या उसको ऑन बोर्ड लाइव मोबाइल में चेक करवा के कि एक आईसी से अपन ने स्पीकर चलाया, एक अपन ने सिम एरर हटाया, एक हमने बैटरी एरर हटाया, और जो जो हमने चीज देखी, जो हमने बताया कि यहाँ पर काम होता था, वो सारे किए कि नहीं? प्रैक्टिकल किए हमने, बैटरी एरर निकाला, चार्जिंग। तो ये जो सोच है ना राजेश, ये राजेश सर जो पूछ रहे हैं, मैं आपसे बताना क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, सोचने आपके ऊपर है कि आप देखिए कि कितना बड़ा जो बैकअप यहाँ पे, आप कितने बड़े लोग हैं, ये सारे लोग जो दिल से, तुम सर बताओ, ज्यादा दिल से निकल रहा है? दिल से निकल रहा है, जो मैंने सीखा है दिल से निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं कुछ सीखा है, जो मैंने सीखा है दिन जो पहले जिस दिन मैं निकल रहा था उस दिन मैं सुबह दिन सोमवार दिन ट्रेन कैंसिल करा था, मैं नहीं यार नहीं जाना है, कैंसिल कर दो, बहुत दूर होता है, फिर बोला नहीं यार टिकट तो कन्फर्म जाना है, जो होगा तो बात देखेंगे, कहा जाना है, जब आके देखा मैं सिर्फ 3 दिन ही काफी, ऐसा कुछ नहीं महंगा कोई सीखने, अगर आपको थोड़ा बहुत टैलेंट है वही सीखने को उम्मीद है, आप 3 दिन लगा के देखो उसके बाद बोलो आपकी क्या सही है, मतलब आपकी सही है बिल्कुल सोच रही उस टाइम पे, अगर आप नालो नहीं आते तो आप आज कुछ भी नहीं होता, उस वक्त मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ाता था, मैं घर पे रहता, आज मैं इधर नहीं आता था, इधर नहीं आ पाता, बहुत बड़ी गलती होती फिर आपसे, बहुत बड़ी गलती, ये मुझको दोबारा नहीं मिलेगा, तो एडमिशन मिलना ही। तो राजेश मैं बोलता हूँ उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो
जो लोग ऊपर जाते हैं उनको खींचने के लिए हजारों लोग होते हैं। ये तो आपने शॉप में भी देखा होगा ना, जब हम बहुत अच्छा काम करते हैं तो बहुत सारी शॉप तरह तरह की बातें करता है, अरे ये शॉप वाला ऐसा है, ये शॉप वाला ऐसा है। तो ये तो होता ही है, और हम इसमें उनको बस कहना चाहेंगे भैया मेहनत करो तो आप भी हमारी जगह पे आ सकते हो और हमसे भी आगे जाओगे। आप लोग आशीर्वाद रहे हम सबका। यू सही है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हो गया अजी, क्या खाते समय उठा रहे हो? नहीं खाया है। बताओ कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? राजू। कहाँ से? मुंबई से। मुंबई? राजू मुंबई में इतने सारे इंस्टीट्यूट है, इतने बड़े बड़े लोगों के इंस्टीट्यूट है, यहाँ क्यों? यहाँ सर लड़कों का आउटपुट है। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, और जब यहाँ पे तुम दो दिन आए थे शुरू में तो क्या लग रहा था? भागने की इच्छा हुई थी दो दिन के बाद में? मैं इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे इधर ही आना था। हाँ, इसके बाद इधर ही आऊंगा और कहीं नहीं जाना। और दो दिन जब कर लिया तुमने क्लास, तब कॉन्फिडेंस और क्या हुआ तुम्हारा? कॉन्फिडेंट हो गया कि मुझे सोचा मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा इसको। तो ये चीज आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी सर। अच्छा, तो मतलब हमारा सिखाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगा? अच्छा, एक तो देखिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कभी स्कूल भी नहीं गया, पर आपने ऐसा सिखाया कि मेरे दिमाग में घुस गया। अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है। मैं सच में आपने ऐसा बोला कि मेरे दिमाग में सब घुस गया, किसी ने ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फिर तो मैं आपको सच बताऊँ, ये राजू बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मेरे से काफी लोग फेसबुक में, यूट्यूब में, मेरे ऐप्स में, हर जगह मेरे से पूछते हैं कि सर मेरी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, आप बताओ मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा। तो ये उसका एग्जांपल है राजू हमारा। और राजू बताओ, क्या वाकई में यहाँ पे लिखवाना और पढ़ना मोबाइल के क्षेत्र में जरूरी है क्या? और हम उन लोगों से साथ कम्पीट कर सकते हैं जो इंजीनियरिंग करके आके पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो बहुत सारा डिग्री लेके बैठ जाते हैं और फिर यहाँ पे छोड़ के अपना पढ़ते हैं? तो बहुत 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 अच्छा लगा राजू तुमसे मिल गए, और तुम्हारे बारे में पहली बार मुझे पता चला कि तुम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं। मैं कभी स्कूल ही नहीं गया सर, मैं खुद अपने पढ़ाई इंग्लिश किताब उसी में मैं आपने भी सिखाया। तो ये बहुत बड़ा संदेश उन लोगों के लिए है कि अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ाई लिखाई नहीं है, मैंने बोला दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग बेसिकली हम लोगों के लिए ही है, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, हम लोगों के लिए ही है मोबाइल रिपेयरिंग। ये तो बीच में लोग घुस गए क्योंकि बिजनेस अच्छा है, सेंसेशन है, मोबाइल में काम अच्छा है, धंधा अच्छा है, पैसा अच्छा है, अच्छा नॉलेज हो तो हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बट घुस गए हैं यहाँ पर लोग। तो मैं आपको बोलता हूँ, जो लोग बोलते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई जरूरत है, वो जरूरत नहीं है। बाकी वो जो इंस्टीट्यूट वाले तो फिर लिखवाते रहते हैं, वो एक अलग मसला वाला है ना, फिर तो मतलब फिर उन वहाँ पर तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सर थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक बात बोलना भूल गया, हमारे बीच में एक नो सर्विस सेंटर का बंदा है, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, वो आया है गोरखपुर से, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा बंदा है। हम देखेंगे, यकीन नहीं करेंगे लोगों जो बोलते हैं ऐसा वैसा। तुम सोचो सर्विस सेंटर वाला बंदा हमारे पास आके सीख रहा है, उस तो खास बात है। सर्विस सेंटर वाला बंदा ये कह रहा है कि हमारे क्लास में अभी एक स्टूडेंट है जो सर्विस सेंटर में काम कर रहा है ना, वही बंदा आके हमारे साथ में सीख रहा है, और खासियत है। और एशिया टेलीकॉम को चुना उसने, और यहाँ पे कैसा लग रहा है उसको? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया बंदे ने। आप सोच सकते हैं, आप लोगों को बोलना छोड़ो। अच्छा मैं कैसे बताऊँ, जब तुम दो दिन हुए थे तब तुम्हारी दो दिन के बाद में भागने की इच्छा हुई थी क्या यहाँ से? नहीं हुई थी क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुई थी यहाँ पर। अच्छा एक चीज मैं और आपसे बोलना चाहूंगा, ठीक है, क्या होता है कि कई बार कुछ लड़के ऐसे आते हैं कि जो बार्गेनिंग के चक्कर में आते हैं, क्योंकि दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि वहाँ लोग जाते हैं तो पहले 30,000 फीस बताई जाती है, फिर 25,000 में आते हैं, फिर 22,000 में आते हैं, और लड़के ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि बार्गेनिंग नहीं होती, कुछ लड़के ऐसे आते हैं जिनको बार्गेनिंग चाहिए होती है, एक दिन दो दिन क्लास करते हैं और बार्गेनिंग जब नहीं होता और या फिर उनको लगता है कि फीस जमा करनी होगी तो वो फिर यहाँ से भाग के जाते हैं और दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ मिलके फिर वीडियो बनाते हैं, इधर उधर बातें करते हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? वो फेक लड़के हैं, सीखने का मन है, नाम खराब करने के लिए आते हैं। अगर ऐसा नहीं है, कोई भी इंश्योरेंस ऐसा नहीं है कि पहले पैसे भरो बाद में एडमिशन ना हो। मैं बहुत ऑनलाइन में देखा हूँ, 1,000 मेरे अकाउंट को भर, 5,000 मेरे अकाउंट को भर, 1,500 से रिफंडेबल नहीं, इधर कुछ नहीं। हाँ, तीन दिन प्रैक्टिस कर, तीन दिन आपसे कुछ पूछा, पैसा दो पैसा दो पैसा दो, एक रुपये में, तीन दिन के बाद में चौथे दिन पैसा जमा करना, ऐसा कुछ नहीं। अदर जैसा आने के साथ पहले पैसे भरो, हॉस्टल फीस भरो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब आप दो दिन करो, अगर आपको अच्छा लगता है उसके बाद आप फिर तीसरे दिन अगर आप एंट्री लेते हो तो फिर आपसे बोला जाता है। ऐसा भी होता है, हमारा राजेश सर बोल के है, बहुत अच्छे है, सुबह रात में 9 से 1 बजे उठते, ऊपर नहीं पहले कंडीशन करते, आपको हार्ड वर्क करना है तो और हो नहीं तो आप जा सकते हैं जबरदस्त।
जबरदस्ती नहीं है, तो ये जो वो लोग है नहीं है उनके में कुछ ऐसा कर। सच बात है, सच बात। वो पर 9 बजे कोई ऐसा कोई बंदा बोलो कि रात के 9 बजे से 1 बजे तक हमारे पीछे क्यों भागेगा? अरे यार बहुत इंस्टीट्यूट है, 2 घंटे चलाते हैं और नेक्स्ट बैच लेते हैं, जाओ भाई हो गया बोल के। अरे दोपहर हम लोग खाना भी नहीं खाते, सुबह नाश्ता करके शाम को 6 बजे बैठते हैं, ऐसा थोड़ी है, कुछ तो बनना है बोल के ना। लोगों का नाम खराब करने एक बार बोलने से पहले एक अटेंड करो, 15 दिन तो निकालो बस, बाद में पता चलेगा क्या चीज़ है बोल के। आपको तो 2 दिन में समझ में आ गया होगा, बाकी 2 दिन में दोस्तों जो तो बात ये है कि अगर हमें पता है कि यहाँ पे क्या, आपको पहले से बताओगे ना यहाँ पे क्या फीस है, क्या स्ट्रक्चर है, और उसके बाद में भी 2 दिन के बाद में वही चीज़ें हैं कि बार्गेनिंग कर लेते हैं और नहीं हुआ फिर गिने चुने इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। तो हमें इन सब पे नहीं पड़ना है, हम तो चाहते हैं कि अगर हमारे पास जो भी है हम उनको उतना दे सकें जितना हमारे पास है और उससे ज़्यादा हम लेने की कोशिश करते हैं। और हमने कभी ये नहीं सोचा है कि कभी इनको कुछ कम कर दें या भागने की कोशिश की है, कभी ऐसा कुछ हुआ है कभी यहाँ पर? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, यहाँ पर बहुत अच्छा आपके साथ बातचीत करके हुआ है। और ये इस बच्चे तो ये हमारा एक स्टूडेंट पंजाब से, जी सर। क्या नाम है? मोहम्मद शकील। पंजाब से मोहम्मद शकील, मोहम्मद कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? सर बहुत खुशी हो रही है कि मैंने उसके टाइम पहली बार इंस्टीट्यूट, फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया आपने, फर्स्ट टाइम, इससे पहले आपने मेरे को बहुत खुशी है, दिल से खुशी है कि मैंने एशिया टेलीकॉम को चुना। अच्छा, तो मतलब एशिया टेलीकॉम के कब से फॉलोअर थे आप? सर हो गया, साल हो गया, साल हो गया। और आपने इतने, जब आप सोच रहे हो कि मैं जाऊंगा एक दिन इसे टेलीकॉम, और ऐसे ही आप लोग देखते हो कि इतने सारे बच्चे जो यहाँ पे अटेंड करते थे और ऐसी बातें करते थे, तो आपको लगता है आप थोड़ा बहुत तो लगा होगा कि यार फेक होगा ऐसा कैसे? नहीं सर, दिल से हमें पता था पहले से। अच्छा, हम पहले से फॉलो करते थे, इसीलिए हम विश्वास करके यहाँ से यहाँ पर आए। सबसे बड़ी बात दोस्तों जो इसने कह दी है, विश्वास। जब तक मुझे विश्वास नहीं होगा खुद पर कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मेरे, मुझे नहीं लगता कि मैं जीवन में कभी सक्सेस हो पाऊंगा, है ना। और अगर हमको बहुत विश्वास है ही नहीं है और हम हमेशा दिमाग में कंफ्यूजन रहेंगे ना, तो हम सोना भी पकड़ा दोगे तो वो हमारे लिए मिट्टी है मेरे पास। सर जो सोच कर आया था उससे बहुत ज़्यादा मिला, बहुत ज़्यादा मिला यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा है। और ऐसे लड़कों को और ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाने में दोस्तों कसम से बहुत मज़ा आता है, और दिल करता है कि बस मुझे इनको वो सारी चीज़ें देनी है जो मेरे पास में है, ताकि आगे जाकर मेरे से बड़ा नाम कमाए। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पर। तो ये आज हमारे स्टूडेंट जिनका हमने बर्थडे बनाया था, बर्थडे बॉय, तो यहाँ पर ये हमारे पंजाब से आए हुए हैं। तो आप कैसा लग रहा है आपको, आप यहाँ पे एक बार और बताओ। बहुत सारी खुशी हो रही है, बहुत सारी खुशी हो रही है। आपका तो जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया हमने, ठीक है। सो यहाँ पर आपने जो सोचा था कि एशिया टेलीकॉम में जाऊँगा और 2 दिन में रुका, 2 दिन में रुकने के बाद में आपको भागने की इच्छा हो रही थी क्या? सर भागने की ऐसे हो रही है इच्छा की, सीखूँ और इतनी नॉलेज मिल रही है यहाँ से, क्योंकि काम कर लूँ, मतलब हाँ कि अब मैं अपनी शॉप में वापस उतरना चाहता हूँ, वही जुनून के साथ में जो हमें लगता था पहले कि यार अभी कोई मोबाइल आया तो अब इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है, अब हमें लग जाएगा कि हाँ फॉल्ट हम बता सकते हैं, हाँ देख के साथ बता सकते हैं सारी चीज़ें। तो बहुत अच्छा लगता है आपको, मतलब सेटिस्फाई हुआ बोलो यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच आपको। और ये अच्छा लगता है कि जब दिल से अपनी बात करते हैं, कम्प्लीट हो गया। तो देखा आपने दोस्तों यहाँ पर मेरे साथ में है इसे टेलीकॉम के स्टूडेंट, और अगर आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि हम सब दिल से बात कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप अगर आपको मेरी बुक खरीदनी है मोबाइल सॉफ्टवेयर, तो आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। अगर आपको हार्डवेयर की बुक खरीदनी है तो हार्डवेयर की बुक खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आपको एप्लीकेशन एंड्रॉइड के डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवेंद्र अग्रवाल, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब में जाएंगे, लिखिए देवेंद्र अग्रवाल, आपको मेरे 2 यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे। मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल जिसमें मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ, पहला यूट्यूब चैनल मेरा एशिया टेलीकॉम मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों आपको देखा जाए, अगर आप जाइए और गूगल पे लिखिए एशिया टेलीकॉम तो आपको मिल जाएगा एशिया टेलीकॉम mobilepay.com। आप जाइए smartdeveloper-asiatelecom mobilepay.com। उसके अलावा मेरी 18 वेबसाइट है, 26 के ऊपर ऐप्स है, मेरी 2 बुक है। आपको इतना डाटा मैं दूंगा और आने वाले समय में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मैं ऑनलाइन जो हो सकता है हेल्प जितनी हो सकता है उतनी करवाऊंगा, और बाकी मैं मेहनत करूंगा कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो लाइफ में सक्सेस लें और आपके आगे बढ़े, मेरा नाम आगे बढ़ाए और अपना नाम आगे बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच यहाँ पर। तो बस मैं इसके साथ एक बात करना चाहूंगा कि इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। हमारी EMT की क्लास का क्या अपडेट देना चाहोगे यहाँ पर? सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सिखाते हैं यहाँ पर। नहीं, अगर किसी को EMT के लिए आना है तो यहाँ पर EMT का क्या अपडेट है यहाँ पर? सर एक मार्च का क्लासेस शुरू होएगी, 10 दिन का बैच है, 10 दिन का बैच है यहाँ पर। हाँ 10 दिन का बैच है, और
अपडेटेड है, जैसे अभी हमारे यहाँ एक क्लास लग गई है, पांच स्टूडेंट बोले थे, पांचों आ चुके हैं कि नहीं आ गए? तो अभी आप ही के साथ रह रहे हैं, उनके क्या रिव्यू है आपके साथ रहने पर? सर बहुत अच्छे रिव्यू है, पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं, सर बहुत अच्छा करवा रहे हैं। अच्छा, आपके क्या रिव्यू है मेरे बारे में? नहीं आपके, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या रिव्यू है आपके? एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है, वो जिसका वो अंदर का ट्रैक, उसका सप्लाई ट्रेसिंग, उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। मतलब अगर आपको डाटा बचाना है और आपको सीखना सही तरीके से फ्लैशिंग, बाइनरी नंबर क्या होती है, सारी चीजें आपने हमें सीखी यहाँ पर, मीडियाटेक का फ्लैशिंग हो या कॉलकॉम का फ्लैशिंग हो या एसपीडी का फ्लैशिंग हो, एमआई की फ्लैशिंग आप कर लेंगे यहाँ पर। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? दोस्तों नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों उसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है और इसमें सिर्फ बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से सीपीयू की किस तरह से पहचान होती है या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल या लिखिए एशिया टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, ये आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। थैंक यू। अनाउंसिंग 9001 एंड 2008 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम एडवांस्ड मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट। कॉल फॉर एडमिशन 9644139972। Download mobile free repairing Android apps. Link in description.